इस फिल्म की शुरुआत होती है यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जॉन ओल्डमैन से, जो शहर छोड़कर जाने के लिए अपना सामान पिकअप ट्रक में रख रहा था। तभी उसके कुछ सहकर्मी दोस्त उसे एक सरप्राइज फेयरवेल पार्टी देने के लिए अचानक वहां पहुंच जाते हैं। वे लोग पार्टी के लिए लगने वाला सारा सामान अपने साथ ही लेकर आए थे, ताकि जॉन के साथ वो आखिरी लम्हा यादगार बना पाए। पर ना जाने क्यों जॉन उन्हें देखकर इतना खुश नहीं लग रहा था। तभी उनमें से एक महिला प्रोफेसर एडिथ जॉन से पूछती है कि आखिर वो किसी को बताए बिना इतनी जल्दी क्यों जा रहा है, जबकि उसने दो दिन पहले ही यूनिवर्सिटी से रिजाइन किया था। पर जॉन इसे इसका कारण नहीं बताता और उसकी इस बात को मजाक में टाल देता है। लेकिन उसके सहकर्मी उसे कुछ देर रुककर फेयरवेल पार्टी करने के लिए मना लेते हैं। इसी बीच एडिथ का ध्यान गाड़ी के पास रखी एक पेंटिंग की तरफ जाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो पेंटिंग 19वीं सदी के मशहूर आर्टिस्ट वैन गॉफ की थी। एडिथ जॉन से पूछती है कि क्या ये पेंटिंग असली है। जॉन कहता है कि ये पेंटिंग उसे एक तोहफे में मिली थी, इसलिए उसके मुताबिक तो ये पेंटिंग नकली ही होगी। पर प्रोफेसर को यकीन नहीं होता कि वो पेंटिंग नकली हो सकती है, क्योंकि उसकी बनावट बिल्कुल असली लग रही थी। प्रोफेसर जब उस पेंटिंग को पीछे पलटकर देखती है, तो उसके पीछे फ्रेंच भाषा में एक मैसेज लिखा हुआ था, जिसका मतलब था मेरे दोस्त जेक बॉर्न के लिए। एडिथ जब जॉन से जेक बॉर्न के बारे में पूछती है, तो जॉन फिर से मजाक में उसकी बात को टाल देता है। इसके बाद कुछ इधर उधर की बातें करते हुए वो सभी जॉन के घर के अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर उन सभी प्रोफेसर्स की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल होता है कि आखिर जॉन ये शहर और अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर क्यों जाना चाहता है। इसकी पहल प्रोफेसर डैन से होती है, जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वे लोग होते हैं जो मानव की उत्पत्ति पर संशोधन करते हैं। डैन जॉन से पूछता है कि तुम्हें आखिर ऐसी क्या परेशानी है जिसकी वजह से तुम्हें ये शहर छोड़कर जाना पड़ रहा है। अगर तुम हमें बताओगे तो शायद हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इस पर जॉन कहता है कि उसे शहर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे एक ही शहर में रहना पसंद नहीं है, इसलिए वो हर 10 साल बाद शहर बदलता रहता है। डैन जॉन की बातों से हैरान होते हुए कहता है कि अगर ये फैसला तुमने 10 साल पहले लिया होता तो ये सही भी था, पर अब जब तुम बूढ़े होने के कगार पर हो तो इतनी अच्छी नौकरी को छोड़कर जाना कोई समझदारी का काम बिल्कुल नहीं है। इसे सुनकर एडिथ कहती है कि जॉन पिछले 10 सालों से बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा लगता है कि मानो पिछले 10 सालों में उसकी उम्र एक दिन भी ना बढ़ी हो। इसी बीच उनमें से एक महिला प्रोफेसर सैंडी को जॉन के घर पर एक पाषाण युग का धनुष मिलता है। उसे देखकर सभी लोग अचंभित हो जाते हैं। डैन बड़ी हैरानी से जॉन से पूछता है कि तुम इस धनुष से किस जानवर का शिकार करते हो। जवाब में जॉन कहता है कि वो इस धनुष से ज्यादातर हिरन का शिकार करता है। ये सुनकर हैरान हो चुका डैन कहता है कि आजकल के जमाने में जहां लोग राइफल में टेलीस्कोप साइट लगाकर भी शिकार नहीं कर पाते, वहां इस धनुष बाण से शिकार कर पाना तो दूर की बात है। इस पर जॉन कहता है कि उसे तीर कमान से शिकार करना काफी पसंद है, उसे प्राकृतिक तरीके से रहना और खाना अच्छा लगता है। इन्हीं बातों के बीच जॉन का एक और सहकर्मी दोस्त आर्ट जेनकिंसन, जो पुरातत्व विज्ञान का प्रोफेसर है, अपनी एक स्टूडेंट लिंडा के साथ वहां पहुंचता है। आर्ट जॉन को गुडबाय गिफ्ट के तौर पर खुद की लिखी हुई एक किताब देता है। वो किताब एक गुफा मानव के बारे में थी। जॉन को वो गिफ्ट काफी पसंद आती है। आर्ट भी जॉन से वही सवाल पूछता है कि जॉन आखिर यहाँ से क्यों जाना चाहता है। हालांकि इस बार जॉन थोड़ा चिढ़कर कहता है कि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, मुझे इसी तरह आगे बढ़ते रहना पसंद है। ये सुनकर सभी लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। तब जॉन उनका मूड ठीक करने के लिए एक पुरानी और महंगी ड्रिंक की बोतल निकालता है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और बाकी सारी बातें भूलकर ड्रिंक का मजा लेते हुए फेयरवेल पार्टी कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद डैन को जॉन के घर पर पाषाण काल का पत्थर से बना एक औजार मिलता है, जिसे बरिन कहा जाता था। इस औजार का उपयोग पाषाण काल में भाले या तीर के सिरे पर लगाकर शिकार करने के लिए किया जाता था। पुरातत्व विज्ञान का प्रोफेसर आर्ट बताता है कि ये औजार बिल्कुल असली है और आदि मानव के जमाने का है। डैन जॉन से पूछता है कि उसे ये नायाब चीज कहाँ से मिली, तो जॉन कहता है कि उसने इसे एक दुकान से काफी सस्ते में खरीद लिया था। इसके बाद वो लोग जॉन से कोई सवाल नहीं करते और बड़े ही प्यार और सम्मान के साथ वो आखिरी पल एंजॉय करने लगते हैं। पर अब जॉन अपने दोस्तों का प्यार देखकर भावुक हो गया था, इसलिए वो उन्हें अपना एक राज बताने वाला था, जो उसने आज तक दुनिया से छुपा कर रखा था। वो सभी प्रोफेसर्स जॉन के उस राज को सुनने के लिए बेताब हो रहे थे। वो राज बताने से पहले जॉन उनसे पूछता है कि अगर आपको पता चले कि पाषाण काल का एक गुफा मानव अभी तक जीवित है, तो आपको कैसा लगेगा। जॉन का ये अजीब सा सवाल सभी प्रोफेसर्स को सोच में डाल देता है। इस सवाल पर सभी एक के बाद एक अपनी राय देने लगते हैं।
डैन जॉन से कहता है कि अगर तुम कोई साइंस फिक्शन की बुक के लिए आइडिया ढूंढ रहे हो तो ये एक अच्छा प्लॉट हो सकता है। डैन आगे कहता है कि एक क्रोमैग्नन मतलब की गुफा में रहने वाला आदि मानव और आज के इंसानों में ज्यादा फर्क नहीं है। आदि मानव हमसे थोड़े पतले और लंबे जरूर थे पर वो हमसे ज्यादा अलग नहीं थे। एडिथ पूछती है कि अगर कोई आदि मानव जिंदा बचा होगा तो क्या वो आज भी गुफाओं में ही रहता होगा। यहाँ पर सारे प्रोफेसर्स जॉन के सवाल पर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ढूंढने लगते हैं। एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान का प्रोफेसर डैन कहता है कि देखा जाए तो ऐसा कोई क्रोमैग्नन इंसान अगर 14,000 सालों से इस धरती पर जीवित है तो वो आम इंसानों से बहुत ज्यादा समझदार और बुद्धिमान होगा, लेकिन उसके तौर तरीके, उसकी दिनचर्या बिल्कुल साधारण मनुष्यों जैसी होगी। वो भी हम जैसे ही कपड़े पहनता होगा, उसका भी कोई परिवार होगा और अगर उसका दिमाग जिज्ञासु है तो उसे इतिहास के साथ साथ बहुत सारी चीजों का ज्ञान भी होगा। इसके बाद उन सब के मन में ये सवाल आता है कि क्या कोई इंसान बायोलॉजिकली इतने साल तक जीवित रह सकता है। वो सब बायोलॉजी के प्रोफेसर हैरी से इसका जवाब मांगते हैं। हैरी कहता है कि जैसे हमारी बॉडी सेल्स की बनावट है उसके हिसाब से कोई भी इंसान 190 सालों तक जीवित रह सकता है, लेकिन जिस तरह से हम शराब पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और जंक फूड्स खाते हैं, ये एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है जो धीरे धीरे हमारे शरीर को खत्म करते जाता है। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर किसी इंसान की बॉडी परफेक्टली फंक्शन करे और प्रॉपर सेल्स रीजनरेट करती रहे तो वो इंसान हजारों साल तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि हमारे शरीर की पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय हर 24 घंटे में अपने सेल्स बदल कर नए सेल्स बनाती है और स्टमक लाइनिंग भी हर 3 दिन में बदल जाती है और हर 7 सालों में हमारी बॉडी के सारे सेल्स बदल कर एक नया शरीर बना लेते हैं। लेकिन आज के युग में ऐसा इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमारे खराब खान पान इनमें रुकावटें पैदा कर देती है। हैरी ये भी बताता है कि अगर इंसान का खान पान अच्छा हो, उसकी बॉडी परफेक्टली डिटॉक्स करे और ठीक तरीके से सेल्स को दोबारा बनाती रहे तो वो इंसान हजारों सालों तक जिंदा रह सकता है। हैरी की ये बात वहाँ बैठे सभी लोगों को चौंका देती है। प्रोफेसर कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस हमें उन असाधारण चीजों को देखने के लिए एक अलग नजरिया चाहिए। जैसा कि प्राचीन काल में जिसे लोग जादू समझते थे, आज उसे हम साइंस के नजरिए से देखते हैं, वैसे ही पहले के लोगों ने ये मान लिया था कि पृथ्वी गोल नहीं बल्कि फ्लैट यानी सपाट है। यहाँ तक कि जब कोलंबस सच्चाई का पता लगाने के लिए एक लंबे सफर पर निकला तो लोगों ने उसे पागल समझा, पर कोलंबस ने पता लगा ही लिया कि पृथ्वी गोल है। इसी बीच जॉन कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर वहां बैठे लोगों के चेहरे से हवाइयां उड़ जाती हैं। जॉन कहता है कि मैं भी कोलंबस के साथ उस सफर पर गया था। मुझे यकीन था कि पृथ्वी गोल है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता था कि एक ना एक दिन हम पृथ्वी के किसी छोर पर पहुंचकर वहां से नीचे गिर जाएंगे। ये कहकर जॉन खुद को ही अपनी कहानी का 14,000 साल पुराना गुफा मानव साबित करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर सब एक पल के लिए शांत हो जाते हैं। डैन जॉन से पूछता है, क्या तुम हमारे यहाँ आने से पहले ही शराब पीकर बैठे थे जो नशे में ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तो जॉन कहता है कि यहाँ पर हर फील्ड के प्रोफेसर्स बैठे हैं तो ये एक नई चीज सीखने का अच्छा मौका है। मान लो कि मैं ही वो क्रोमैग्नन यानी गुफा मानव हूँ, अब बताओ तुम लोगों की इस पर क्या राय है? तभी जॉन एक गुफा मानव की आवाज निकाल कर सबको डरा देता है। सभी लोग हंसने लगते हैं। इसी दौरान इतिहास की प्रोफेसर सैंडी भी वहाँ आ जाती है। सैंडी दिल ही दिल में जॉन से प्यार करती थी। वो पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है। इस पर बाकी सब कहते हैं, जॉन कह रहा है कि उसकी उम्र 14,000 साल है, क्या तुम्हें भी जॉन एक गुफा मानव लगता है? इस बात पर हंसती हुई सैंडी कहती है कि जॉन तो उसे 900 दिन से एक भी दिन ज्यादा का नहीं लगता। अब सभी को जॉन की ये कहानी इंटरेस्टिंग लगने लगी है। वो जॉन की थ्योरी को आगे सुनाने के लिए उसे प्रोत्साहित करते हैं। तभी जॉन सबसे कहता है कि हर 10 साल बाद जब लोग नोटिस करने लगते हैं कि मेरी उम्र नहीं बढ़ रही है तो मैं वहां से कहीं दूर चला जाता हूं ताकि कोई मेरी सच्चाई ना जान जाए। यहां पर प्रोफेसर्स फिर कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम एक क्रोमैग्नन हो? तो जॉन कहता है कि मैंने आर्कियोलॉजिकल डेटा, मैप्स और एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च से अपनी उम्र का अनुमान लगाया है। जब हजारों साल पहले मैं पैदा हुआ था तब 34 साल की उम्र तक मेरे शरीर में आम लोगों की तरह ही बदलाव होते रहे, लेकिन 35 साल बाद मेरी उम्र बढ़नी बंद हो गई। गुफा में रहने वाले मेरे साथी बूढ़े होते चले गए लेकिन मैं 35 साल का ही रहा। ये देखकर मेरे साथियों को लगता था कि मैं कोई जादू टोना करके उनकी उम्र चुरा रहा हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने दल से भगा दिया। हालांकि इसके बाद भी वे लोग मेरा पीछा करते रहे ताकि मुझे मार सके। इस पर प्रोफेसर्स कहते हैं कि अगर ये सच है तो तुम अपने बचपन की कुछ यादें बताओ। तो जॉन कहता है कि मुझे सारी बातें याद नहीं रहती क्योंकि मेरी मेमोरी भी आम इंसान जैसी ही है।
मुझे बस कुछ बड़े और खास इवेंट्स ही याद रहते हैं। यहाँ पर जॉन उन्हें अपनी कुछ ऐसी खास यादें बताता है जिन्हें वो हजारों साल से आज तक भुला नहीं पाया। जॉन उन्हें आगे की कहानी सुनाते हुए कहता है कि अपने दल से निकाले जाने के बाद भी काफी दिनों तक मेरा पीछा किया गया, क्योंकि मेरी उम्र ही नहीं बढ़ रही थी। मैं जब भी मेरे साथियों की नजर में आता था, वे मुझे मारने के लिए मेरा पीछा किया करते थे। इसलिए मैं समय समय पर अलग अलग ट्राइब्स में दल बदल कर रहता था और लोगों को मेरी असलियत का पता चले इससे पहले ही दल को छोड़कर चला जाता था। फिर कुछ समय बाद मैं सेमिनोमेडिक आदिवासियों के दल में शामिल हो गया, जो बदलते मौसम के साथ शिकार के लिए अलग अलग जगहों पर जाया करते थे। प्रोफेसर्स जॉन से उस वक्त के बारे में और सवाल पूछते हैं, तो जॉन उन्हें बताता है कि शुरू के 2000 साल पृथ्वी ठंडी थी। वो आइस एज का समय था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, हिम नदियां थी जिनके पीछे सूरज छिप जाता था, जिससे सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन जब धीरे धीरे गर्मी बढ़ी और हिमनदियां पिघलने लगी, तो पहाड़ अलग होते गए, इन्हीं से समुद्र बने और सारे महाद्वीप अलग हुए। जॉन की ये बातें सुनकर प्रोफेसर आर्ट उसे बीच में ही टोकते हुए कहता है कि तुम जो हमें बता रहे हो, ये सारी बातें तो किताबों में भी लिखी हैं। तुमने अभी तक कोई नई चीज नहीं बताई है। इस पर जॉन कहता है, हाँ, ये सारी बातें मैंने किताबों से ही पढ़ी है, जिसे पढ़कर मैं अपनी यादों को रिकॉल यानी ताजा कर पाया, वरना 14,000 साल पुरानी बातें याद रखना मेरे लिए नामुमकिन था। ये सुनकर प्रोफेसर आर्ट की स्टूडेंट लिंडा जॉन से पूछती है कि क्या उस वक्त तुम्हारे दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि आखिर हम सब कहां से आए हैं? तो जॉन कहता है, उस युग में हम आसमान की तरफ देखकर हैरान होते थे। हम सोचते थे कि आसमान में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने हमारी और इस धरती की रचना की है। शुरू शुरू में मुझे लगता था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। मुझे लगता था कि मैं एक बुरा आदमी हूँ, मैं श्रापित हूँ, इसलिए मैं मरता नहीं हूँ। फिर मैं सोचने लगा कि ये मुझे मिला एक वरदान भी तो हो सकता है, शायद मुझे इस धरती पर किसी मकसद से भेजा गया है। एडिथ उससे पूछती है कि क्या वो वैन गॉफ की पेंटिंग असली है जो घर आते वक्त उन्होंने देखी थी। तो जॉन उसे बताता है कि वो पेंटिंग बिल्कुल ओरिजिनल है और मेरे लिए ही बनाई गई थी। उस समय मेरा नाम जेक बॉर्न था, मैं एक पिग फार्मर था। जब मैं अपने हाथों से पिग फार्म की सफाई कर रहा था, तब वैन गॉफ वहां आए और मुझे काम करता देख मुझसे काफी प्रभावित हुए। फिर उन्होंने वहीं पर वो पेंटिंग बनाई और हमने ढेर सारी बातें भी की। तभी लिंडा जॉन से पूछती है कि अगर आपको इतनी सारी पुरानी बातें याद हैं, तो फिर आपको वो सारी जगहें याद क्यों नहीं हैं जहां आप हजारों साल पहले पैदा हुए थे? क्योंकि पृथ्वी का भूगोल तो कभी नहीं बदलता है, सारी चीजें वहीं के वहीं पर हैं। जॉन उसे बताता है कि हमें पुरानी चीजें तब याद आती हैं जब हम उसे दोबारा देखते हैं। 14,000 साल पहले हर तरफ जंगल, नदियां, पहाड़ ये सब हुआ करते थे। समय के साथ साथ जंगल कटते गए और उनकी जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ने ले ली। इस वजह से ये बता पाना नामुमकिन है कि वो किस जगह पैदा हुआ था। जॉन आगे बताता है कि इन 14,000 सालों में उसने कई बार शादियां की हैं, हालांकि वो ज्यादा समय तक अपनी पत्नियों के साथ नहीं रह पाया। उसकी बीवियों को उसकी असलियत का पता चले इससे पहले ही वो उन्हें छोड़ देता था। वो कई बार अपने बच्चों से भी मिल चुका है, पर एक बड़े आदमी के रूप में। जॉन से पूछा जाता है कि वो अमेरिका में कब से है। जॉन कहता है कि जैसे जैसे ये दुनिया एक दूसरे से जुड़ने लगी, सरकार ने लोगों के रिकॉर्ड्स रखने शुरू कर दिए थे। इस कारण 1862 में बेल्जियम में उसे नकली दस्तावेज रखने के जुर्म में एक साल तक जेल में भी रहना पड़ा था। इसके बाद वो 1890 में फ्रेंच इमिग्रेशन के दौरान अमेरिका आ गया और तब से यहीं बस गया। प्रोफेसर्स देखते हैं कि जॉन के पास उनके हर सवालों का जवाब था। इस बात से चिढ़कर आर्ट जॉन से पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, यानी उन्हें ये सब क्यों बता रहा है। तो जॉन कहता है कि आप सब मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैं आप लोगों को अपने असली चेहरे के साथ गुड बाय कहना चाहता हूँ, ना कि उस तरह जैसे मैं बाकियों को दिखाता हूँ। ये सुनने के बाद आर्ट चिढ़कर वहां से उठकर एक कमरे में चला जाता है। उसे लगता है कि जॉन का दिमाग खराब हो चुका है, इसीलिए वो ऐसी बेतुकी बातें कर रहा है। इसीलिए वो अपने साइकेट्री पढ़ाने वाले दोस्त को फोन करके उसे जॉन के घर पर बुलाता है। उधर दूसरी तरफ जॉन और सैंडी गाड़ी में बॉक्सेस रख रहे थे। इसी बीच सैंडी जॉन को बताती है कि वो उसे चाहती है और उससे पूछती है कि क्या उसके दिल में भी उसके लिए प्रेम भावनाएं हैं। जॉन कहता है कि हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर क्या तुम मेरी सच्चाई जानने के बाद भी मेरे साथ रहना चाहती हो? इस पर सैंडी कहती है उसे जॉन पर पूरा भरोसा है, इसीलिए वो उसके साथ रहना चाहती है। लेकिन जॉन कहता है कि सोचो जब हमारे बच्चे होंगे और तुम देखोगे कि हमारे बच्चों की उम्र तो बढ़ रही है, पर मैं ज्यों का त्यों हूँ, तब तो मुझे तुम्हें भी छोड़कर जाना होगा। फिर तुम्हें कैसा लगेगा? मैं बस 10 साल ही तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। ये सुनकर सैंडी कुछ नहीं बोलती और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती है। इसके बाद जॉन और सैंडी घर के अंदर आ जाते हैं।
अब सभी के मन में कई सारे सवाल थे। उन्हें यकीन था कि जॉन झूठ बोल रहा है और वे सब अपने सवालों के जरिए जॉन का झूठ पकड़ना चाहते थे। सबसे पहले आर्ट जॉन से पूछता है कि क्या उसे कोई भाषा याद है जो वो 14,000 साल पहले बोला करता था। इस पर जॉन हंसते हुए कहता है, तब और अब एक बात नहीं बदली है और वो है लड़की को देखकर सीटी बजाना। जॉन सैंडी को देखकर सीटी बजाता है। इसके बाद लिंडा उससे पूछती है कि क्या उसने उसके जमाने में कभी गुफा पर कोई चित्र बनाया है, क्योंकि कई बार पुरातत्व विभाग वालों को ऐसे गुफा चित्र मिलते रहते हैं। जॉन लिंडा से पूछता है कि क्या तुमने लेसाइसिस नाम की जगह का गुफा चित्र देखा है। लिंडा के हाँ कहने पर जॉन उसे बताता है कि उसे बनाने वाला जॉन के दल का मुखिया था, जिसका नाम जिराउड था। जिराउड एक अच्छा लीडर था। उसने उन जानवरों का चित्र बनाया था जिनका हम खाने के लिए शिकार कर सकते थे, लेकिन एक दिन शिकार के दौरान वो मुंह के बल गिरा, जिस वजह से उसके सारे दांत झड़ गए। अब जब उस मुखिया के दांत नहीं थे तो वो मांस नहीं चबा सकता था, इसलिए एक दूसरा आदमी अपने मुंह से मांस चबाकर उसे खिलाया करता था। पर कुछ दिनों बाद उसका जबड़ा इन्फेक्टेड हो गया। इस वजह से दल के लोगों ने उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया और खुद आगे बढ़ गए। कुछ देर तक इसी तरह के सवालों का सिलसिला जारी रहता है। जॉन एक के बाद एक सारे सवालों का जवाब देता जा रहा था। जॉन आगे कहता है कि कई सालों बाद ब्रॉन्ज एज की शुरुआत हुई। धीरे धीरे लोगों में भाषा डेवलप होने लगी, गांव और शहर बसने लगे और लोग मुझे पहचानने लगे, जिस कारण मेरा एक जगह पर रहना मुश्किल हो गया। क्योंकि सूरज पूरब से निकलता था, इसीलिए मैं लगातार पूरब की दिशा की ओर बढ़ता रहा। अपने रास्ते में मैंने पहली बार टिन, कॉपर जैसी धातुएं देखी। मैंने देखा कि लोग इस दुनिया को बनाने वाले को ढूंढ रहे थे, और साथ ही मैंने बहुत से नए भगवानों के बारे में भी सुना। मैं 2000 सालों तक सुमेरियन था, जो कि दुनिया की सबसे पहली सभ्यता मानी जाती है। उसके बाद मैं बेबीलोनियन बना। जॉन आगे कहता है, पूरब की ओर चलते हुए मैं भारत पहुंच गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो समय गौतम बुद्ध का था। मैं जब पहली बार गौतम बुद्ध से मिला तो वो मुझे बहुत ही अनोखे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान लगे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उन जैसा इंसान नहीं देखा था। उनसे प्रभावित होकर मैं उनका शिष्य बन गया। जब तक वो जिंदा रहे मैं उनके साथ ही सीखता रहा। गौतम बुद्ध जानते थे कि मुझ में कोई अलग बात है, लेकिन मैंने उन्हें अपनी असलियत कभी नहीं बताई। आर्ट पहले ही जॉन की बातों से परेशान हो गया था। वो उससे पूछता है कि अगर हमने तुम्हारी असलियत बाहर के लोगों को बता दी तो क्या होगा। इस पर जॉन कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई भी तो कोई तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगा। अगर तुम्हें आज मेरी बातों पर यकीन हो भी जाता है तो जैसे जैसे वक्त बीतेगा तुम्हें भी ये सारी बातें बेतुकी लगेंगी, और वक्त के साथ साथ तुम ये बातें भूल जाओगे। आर्ट को लगभग इस बात पर पूरा यकीन हो गया था कि जॉन के दिमाग के पुर्जे हिले हुए हैं। इतने में साइकेट्री पढ़ाने वाले साइकेट्रिस्ट डॉक्टर विल वहां आते हैं, जिसे कुछ देर पहले आर्ट ने फोन करके बुलाया था। डॉक्टर विल जब जॉन से मिलता है तो जॉन की बातें सुनकर उसे लगता है कि जॉन सबको बेवकूफ बना रहा है, लेकिन वहां बैठे कुछ लोगों को जॉन की बातों पर विश्वास होने लगा था, इसलिए वो जॉन को आगे की कहानी सुनाने के लिए कहता है। विल जॉन से पूछता है कि अगर तुम 14,000 साल से जिंदा हो तो क्या इस बीच तुम एक बार भी बीमार नहीं पड़े। जॉन कहता है कि कुछ 300 साल पहले मुझे शायद निमोनिया हुआ था, उसके बाद मुझे येलो फीवर, मलेरिया और हाल ही में मुझे चिकन पॉक्स भी हुए थे, लेकिन मेरे शरीर में कभी कोई निशान नहीं पड़ते, इसलिए चिकन पॉक्स के निशान भी मेरे शरीर पर नहीं है। ये सुनकर बायोलॉजिस्ट हैरी चौंक जाता है और जॉन से अनुरोध करता है कि जाने से पहले वो उसके लैब में कुछ टेस्ट करा के जाए। पर जॉन कहता है कि अगर मैं अपना टेस्ट कराने जाऊंगा तो लोगों को मेरी असलियत का पता चल जाएगा और वे मुझ पर साइंटिफिक प्रयोग करने लगेंगे। फिर जब बात पढ़ाई की आती है तो जॉन कहता है कि उसने 10 अलग अलग फील्ड्स में डिग्रियां ली हैं। उनमें से एक डिग्री बायोलॉजी की भी है, जो उसने ऑक्सफोर्ड से सन 1840 में ली थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता और साइंस ने तरक्की कर ली तो उसने जो कुछ भी पढ़ा था वो सब पुराना हो गया। ऐसे ही जॉन हर सवाल का जवाब देता जा रहा था, जिसे सुनकर डॉक्टर विल फ्रस्ट्रेट हो जाता है और जॉन पर अपनी गन तान देता है। ये देखकर वहां बैठे सभी लोगों की धड़कनें एक पल के लिए रुक सी जाती हैं। डॉक्टर कहता है कि अगर जॉन 14,000 सालों से जिंदा है और उसने सभी बड़े रोग और महामारियों को झेला है तो इसका यही मतलब है कि वो अमर है। इसी बात को जांचने के लिए वो जॉन पर गोली चलाएगा। इस पर जॉन कहता है कि उसने कभी ये दावा नहीं किया कि वो अमर है, वो बस प्रकृति की बदौलत जिंदा है। तो डॉक्टर कहता है कि ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ में गोली मारूंगा और देखूंगा कि तुम्हारे शरीर से चोट के निशान गायब होते हैं या नहीं। लेकिन सभी लोग डॉक्टर को ऐसा करने से रोकते हैं। डॉक्टर गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। तभी हैरी सबको बताता है कि कल ही विल की बीबी, जिसे वो बेहद चाहता था, उसकी कैंसर की वजह से मौत हो गई।
शायद इसी वजह से विल पहले से परेशान था और परेशानी में ही उसने ये कदम उठाया है। ये बात सुनते ही जॉन भागकर विल के पास जाता है और उसे दिलासा देता है। जॉन उसकी बंदूक भी ले लेता है इस डर से कि फ्रस्ट्रेशन में विल खुद को कुछ कर ना ले। अंदर सब लोग जॉन की आगे की कहानी सुनने के लिए बेताब हो रहे थे, पर वहां कुछ प्रोफेसर्स को अब जॉन से जलन होने लगी थी क्योंकि उनके चाहने वाले वक्त के साथ गुजर चुके थे, लेकिन जॉन हजारों सालों से जीवित है। यहाँ पर इंसान की एक भावना को दर्शाया गया है कि इंसान हमेशा दूसरों की खुशी और तरक्की से जलता है, फिर चाहे वो उनका दोस्त या रिश्तेदार ही क्यों ना हो। जॉन आगे बताता है कि 17वीं शताब्दी में मुझे एक आदमी मिला था, उसकी शक्तियां भी बिल्कुल मेरे जैसी ही थी। जिस तरह से मैं एक लंबी जिंदगी जी रहा हूँ वो भी बिल्कुल वैसे ही जी रहा था। हम दोनों ने 2 दिनों तक बातें की और एक दूसरे को सबूत भी दिए, और जब हम अलग हुए तो हमने वादा किया कि हम एक दूसरे के टच में रहेंगे। हालांकि उसके बाद हम कभी नहीं मिले, पर 200 सालों के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसे एक रेलवे स्टेशन पर देखा था, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे मिल पाता वो भीड़ में कहीं गायब हो गया। इसके बाद जॉन से ऐसा सवाल पूछा जाता है जिसका जवाब जानने के लिए सारे प्रोफेसर एक्साइटेड हो जाते हैं। जॉन से पूछा जाता है कि क्या वो अपनी पूरी जिंदगी किसी बड़े धर्म गुरु या ऐसे किसी धार्मिक आदमी से मिला है जिन्हें आज सब लोग पूजते हैं। इस पर जॉन कहता है कि वो किसी धर्म या भगवान को नहीं मानता, और बताता है कि जब मैं गौतम बुद्ध से मिला था तो उनकी सोच ने, उनकी बातों ने मुझे काफी प्रभावित किया था। मैं उनकी सोच को दुनिया भर में फैलाना चाहता था ताकि लोग एक दूसरे से धर्म के नाम पर लड़ना बंद कर दें। इसके बाद मैं यूरोप आ गया जहां रोम में मैंने ये विचार लोगों तक पहुंचाने शुरू कर दिए, लेकिन वहां के लोगों ने इस नए विचार को अपनाने से इनकार कर दिया और मुझे राज्य से बाहर कर दिया। फिर मैं वहां से ईस्टर्न यूरोप आ गया जहां मैं एक छोटे से गांव में रहा। वहां पर मैं गांव वालों को गौतम बुद्ध के विचार सिखाने लगा। गांव वाले मेरी बातों से बहुत प्रभावित हुए थे, इसलिए वो मेरी पूजा करने लगे और उन्होंने मेरी एक बड़ी सी मूर्ति भी बना डाली। इसी तरह मैं अपने शुद्ध मन और विचारों के कारण प्रचलित होने लगा, लेकिन मुझे बुरा तब लगा जब लोगों ने मेरे विचारों को अपने जीवन में अपनाने के बजाय उसे एक नए धर्म का रूप दे दिया और मुझे अपना भगवान मान लिया। इसके बाद वे लोग इस धर्म को और आगे बढ़ाते चले गए और नए लोगों को इस धर्म से जोड़ते गए, लेकिन फिर रोमन राज्य को इस धर्म के बढ़ने से खतरा महसूस होने लगा था, इसीलिए उन्होंने मुझे क्रूसीफाइड कर दिया, यानी कि सूली पर लटका दिया। जॉन की ये बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों को एक सदमा सा लगता है, क्योंकि जॉन बता रहा है कि वही गॉड जीसस है और वो जिस धर्म की बात कर रहा है वो क्रिश्चियन धर्म है। इसके बाद जॉन कहता है कि जब मुझे सूली पर लटकाया गया तब मैंने दर्द को सहन किया और अपनी धड़कनें कुछ समय के लिए रोक दी। रोमन्स को लगा कि मैं मर चुका हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे सूली से निकालकर एक क्रॉस के साथ गुफा में रख दिया, लेकिन धीरे धीरे मेरी दिल की धड़कनें वापस शुरू होने लगी और मैंने अपने शरीर को वापस जीवित कर लिया। जिंदा होते हुए भी अपनी धड़कनों को रोकने की कला मैंने भारत के तिब्बत में ही सीखी थी और सालों तक इसका अभ्यास किया था। ठीक होने के बाद जब मैं सभी से छुपकर वहां से निकलने वाला था तब मेरे कुछ भक्तों ने मुझे देख लिया और उन लोगों को लगा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन मुझे बस वहां से किसी तरह से बाहर निकलना था, इसलिए मैं वहां से चला गया। ये सुनकर प्रोफेसर कहते हैं कि अगर तुम्हें सूली से लटकाया गया था और हाथों में कीलें ठोकी गई थी तो तुम्हारे हाथ में अभी भी वो निशान होने चाहिए। इस पर जॉन कहता है उसके शरीर पर से निशान हमेशा मिट जाते हैं। जॉन ये भी कहता है कि उसे सिर्फ रस्सियों से बांधा गया था, हाथों पर कील ठोकने वाली बात आगे चलकर धर्म गुरुओं ने फैलाई थी ताकि सुनने में अच्छा लगे। ये बात एक बार फिर उन लोगों के अंदर शक पैदा कर देती है, वो फिर से गुस्सा हो जाते हैं। तभी प्रोफेसर एडिथ, जो जीसस की भक्त थी और क्रिश्चियनिटी में विश्वास करती थी, उसे जॉन की बातें सुनकर गुस्सा आने लगता है। वो जॉन से इस बारे में बहस करते हुए कहती है कि बाइबल में लिखी सारी बातें सच हैं और जीसस ने सच में लोगों का उद्धार किया था, वो सच में पानी पर चले थे और उनका पुनर्जन्म भी हुआ था, आखिर तुम हमसे झूठ क्यों बोल रहे हो। तो जॉन कहता है कि मेरा मकसद कभी लोगों को धर्म से जोड़ना नहीं था, मैं बस ये चाहता था कि लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ना बंद कर दें। मैं गौतम बुद्ध के विचार उन तक पहुंचाना चाहता था, मैं ना तो कभी पानी पर चला और ना ही किसी को वापस जिंदा किया। जॉन यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को पेगन माइथोलॉजी से भी कंपेयर करता है। एडिथ यह सुनकर बहुत नाराज होती है, लेकिन डैन इस बात पर जॉन की बात को सपोर्ट करता है और कहता है कि क्रिश्चियनिटी के जो शुरुआती लीडर्स थे उन्होंने हिब्रू में लिखी मैन्युस्क्रिप्ट को फेंक दिया था। इसके बाद उन्होंने पेगन धर्म से बहुत सारी चीजें ली जिसे उन्होंने अपने धर्म से जोड़ लिया। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि गौतम बुद्ध और जीसस की जो शिक्षा थी वो बिल्कुल एक जैसी थी, इन दोनों ने ही दया, सहन शक्ति, भाईचारा और प्यार का संदेश दिया था। जॉन कहता है मैंने यही सारी बातें लोगों को बताई थी, लेकिन बाद में ये अलग अलग कहानियां बन गई। पृष्ठ ने स्वर्ग और नर्क की बातें फैलाई
जिससे वो लोगों को इसका डर और लालच देकर उन पर हुकूमत कर सके। इतने में डॉक्टर विल वहां वापस आ जाता है। ये वही साइकेट्रिस्ट थे जिन्होंने जॉन पर अपनी गन तानी थी। अब जॉन जीसस की तरह बातें कर रहा था, जिसे देखकर एडिथ बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है कि हम 2000 सालों से क्रिश्चियनिटी पर विश्वास कर रहे हैं, तुम हमारे विश्वास को क्यों तोड़ना चाहते हो। जॉन बताता है कि हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिन्होंने एक बहुत लंबे समय काल तक किसी चीज पर अपना विश्वास रखा, उसके बाद उनका विश्वास बदल गया। आज तक जितने भी चर्च इस दुनिया में बने हैं उनका आधार सिर्फ परियों की कहानियां हैं। इसके बाद प्रोफेसर जॉन से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम जीसस कैसे पड़ा। जॉन कहता है कि मैंने तो हमेशा अपना नाम जॉन ही बताया था, पर जब चारों तरफ मेरे वापस जिंदा होने की खबरें फैल गई तो अलग अलग जगहों पर मेरे नाम को अलग ढंग से लिया गया। हिब्रू में मुझे योहानन कहा गया, जिसका मतलब होता है कि भगवान दया का सागर है। उसके बाद कई बार अलग अलग समय में लोगों ने मुझे देखा, लोगों को विश्वास हो गया कि मैं अमर हूँ। इससे उन्हें इस बात पर यकीन हो गया कि ईश्वर में ही मोक्ष है, जिसे हिब्रू में यशुहा कहा जाता है। इसके बाद ग्रीक में इसे बदल कर लेसस और इसी तरह पहले लैटिन में लेसस और फिर ये जीसस हो गया। ये सुनकर एडिथ कहती है कि ये सच नहीं हो सकता, तुम जीसस नहीं हो सकते। तो जॉन बताता है कि एक दिन एक पहाड़ी पर मैंने गौतम बुद्ध से जो सीखा था वो मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। वहां पर बस कुछ ही लोग बैठे थे, तब मैंने उन्हें एक च्वाइस दी थी कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। वही च्वाइस मैं आज आप लोगों को भी दे रहा हूँ। यहाँ पर जॉन के शब्दों में, उसकी आवाज में, उसके चेहरे पर वो गहराई होती है जिससे अब सबको विश्वास हो जाता है कि जॉन जो कुछ भी कह रहा है वो बिल्कुल सच है। और पिछले 2000 सालों से वो जिस धर्म की राह पर चल रहे थे, जिस बाइबल को फॉलो कर रहे थे, वो सिर्फ एक कहानी मात्र से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ये जानकर वहां बैठे सभी लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, मानो जैसे भगवान के ऊपर से उनका विश्वास पूरी तरह से टूट गया हो। लेकिन डॉक्टर विल को अभी भी लग रहा था कि जॉन बस लोगों की अटेंशन पाने के लिए झूठ बोल रहा है। विल कहता है कि जॉन तुम्हें ये सब खत्म करना होगा, तुम्हें सच्चाई बतानी ही होगी। इस पर जॉन कुछ देर के लिए शांत हो जाता है और कुछ सोचने लगता है, और अचानक वो सबसे ये कहता है कि हाँ, ये सिर्फ एक कहानी है, मैं तुम सबको सिर्फ एक कहानी सुना रहा था। आज यहाँ पर अलग अलग फील्ड्स के प्रोफेसर जमा हुए थे, साथ ही जब आर्ट ने उसे गुफा मानव की किताब गिफ्ट के स्वरूप में दी थी तब उसे इस कहानी का सुझाव आया। ये सुनकर सभी लोग बहुत निराश हो जाते हैं और जॉन को खरी खोटी सुनाते हुए एक एक करके उसके घर से चले जाते हैं। प्रोफेसर डैन, जिसने कई बार उसकी कई बातों का समर्थन किया था और जिसे लगभग ये यकीन हो गया था कि जॉन सच में एक दैवीय पुरुष है, वो तो गुस्से से पागल हो जाता है। डैन जॉन को खूब खरी खोटी सुनाकर वहां से चला जाता है। अब वहां सिर्फ जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड सैंडी ही बचते हैं। बाकी लोग तो वहां से एक एक करके वापस जा रहे थे, पर सैंडी को पूरा यकीन था कि जॉन ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच है। सैंडी जॉन से पूछती है कि तुमने अपने नाम कितनी बार बदले। तो जॉन कहता है, मैंने कभी अपना नाम नहीं बदला, सिर्फ सरनेम बदले। जॉन एक एक करके अपने सरनेम बताता है। उसके बाद वो कहता है कि आज से 60 साल पहले मैं हार्वर्ड में पढ़ता था, तब मेरा नाम जॉन थॉमस पार्टी था। जॉन की यह बात पीछे से आता हुआ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर विल सुन लेता है, जिसे पहले जॉन की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। लेकिन जब जॉन के मुंह से वो ये नाम सुनता है तो उसे गहरा सदमा लगता है। वो कहता है कि ये नामुमकिन है, क्या तुम वहां पर केमिस्ट्री पढ़ाते थे। तो जॉन कहता है कि हाँ, मैं वही हूँ। विल को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। तभी जॉन उससे कहता है कि तुम्हारी माँ का नाम नोला था। फिर विल पूछता है, मेरे जन्म से पहले हमारे पास एक पालतू कुत्ता था, उसका नाम क्या था। तो जॉन कहता है कि उसका नाम वोफी था। ये बात बिल्कुल सच थी। ये जानने के बाद कि जॉन ही विल का पिता है, विल बहुत इमोशनल हो जाता है और रोते हुए जॉन से सवाल करता है कि तुमने मेरी मॉम को क्यों छोड़ दिया, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए थे। इस पर जॉन कहता है कि अब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें क्यों छोड़कर गया था। इस बात से विल को गहरा सदमा लगता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे विल की मौके पर ही मौत हो जाती है। यह घटना जॉन के लिए बहुत तकलीफ देह थी, क्योंकि जॉन ने पहली बार अपने किसी बेटे को अपने हाथों में मरते हुए देखा था। कुछ देर बाद एम्बुलेंस वहां आकर विल की डेड बॉडी ले जाती है। इस जगह से थोड़ी दूर डैन पाषाण युग के उस पत्थर को हाथ में लिए घूर रहा था जो उसने जॉन के घर से लिया था। दिल के किसी कोने में उसे अभी भी जॉन की बताई हुई कहानी सच लग रही थी। दूसरी ओर जॉन अपनी कार में बैठकर वहां से हमेशा के लिए जाने लगता है। तभी वो थोड़ी दूर जाकर कार रोक देता है और सैंडी का इंतजार करने लगता है। वैसे तो जॉन को लगा था कि उसकी सच्चाई जानने के बाद सैंडी उसके साथ नहीं रहना चाहेगी, पर सैंडी जॉन से सच्चा प्यार करती थी, इसीलिए वो जॉन के साथ चली जाती है।
इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप ये वीडियो देखते देखते इसमें खो गए थे, तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए लेकर आ पाएं। धन्यवाद।